तो जयपुर में दोस्तों हो रही है बेमौसम बरसात, और वो भी झमाझम वाली बरसात। और मैं पहुंच गया हूं दोस्तों जयपुर के ना सबसे फेमस रेस्टोरेंट में। जी हाँ दोस्तों, एमएम खान रेस्टोरेंट में, जहाँ का नॉनवेज जो है ना वो पूरे जयपुर में बहुत फेमस है। यहाँ पे ना अलग अलग वैरायटी की जो नॉनवेज के आइटम्स है वो मिलती है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हो, क्या लाजवाब यहाँ पे ना चिकन देखो किस तरीके से लटके हुए हैं, देख रहे हो आप, है मसाले में मैरिनेट करके एम रखे हुए। यहाँ देखिए फ्राइड चिकन रख के फ्राई करने के लिए रखा हुआ है, यहाँ फ्राई हो भी रहा है, देखिए उधर भी रखा हुआ है, पूरा काउंटर है। और उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आज हम शूट करेंगे ना, वो रेसिपी शूट करेंगे चंगेजी चिकन की, जो वहाँ तीन कढ़ाइयाँ हैं ना, तीन जो तवे हैं बड़े बड़े से ह्यूज, वहाँ पे बन रही है दोस्तों चंगेजी चिकन। और यहाँ पे ग्रेवी आइटम्स भी हैं, है ना, निहारी भी है, सारा कुछ है। तो मैं वो दिखाता हूँ, आइए अंदर चलते हैं और टेस्ट भी करके देखेंगे दोस्तों चंगेजी चिकन को किस तरीके का है उसका स्वाद। आओ अंदर चलते हैं, पूरा देखते हैं किस तरीके से यहाँ ना खचाखच भीड़ है, और खा के मज़ा उठाते हैं। आ जाओ, तो देख सकते हो दोस्तों मेरे पीछे ना लगे हुए हैं तीन तवे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और ये ना इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी में ना भाई चंगेजी चिकन बनते हो मैंने तो नहीं देखा, और मुझे लगता भी नहीं कि कहीं और बन रहा होगा, क्योंकि एक साथ इतने बड़े बड़े जो तवे हैं उसके ऊपर देखिए चंगेजी चिकन बनाई जा रही है। तीन अभी लगे हुए हैं, एक और लग जाता है जो क्वांटिटी और बढ़ाई जाती है ना, तो एक तवा और लगेगा, यानी कि चार तवों पर एक साथ जो चंगेजी चिकन है वो बनाया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए वहाँ पर अभी शुरुआत हुई है जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे अभी मिडिल में पहुँचा है जो प्रोसेस है चिकन का, इस पर जो चंगेजी चिकन का। और ये देखिए ये वाला जो चंगेजी चिकन है ये फाइनल हो चुका है हमारा, तो ये भी पूरा हो चुका है, अभी ये जा रहा है कस्टमर के पास सर्व होने के लिए। ये तवा खाली हो जाएगा ना तो फिर से इस पर फ्रेश नया बनाया जाएगा, और फिर से एक बार तवे जो है सारे भर जाएंगे। ये क्या है भैया? प्याज, प्याज की ग्रेवी, प्याज का पीसा उबला हुआ है। क्या बात है दोस्तों, देखिए ये सारी चीज़ें ना पहले मिक्स करते हैं, जैसे अलग अलग बनाई होती है, प्याज की ये ग्रेवी हो गई, और अब उसके बाद ली जाती है ये टमाटर, टमाटर की ग्रेवी। ये देखिए दोस्तों अब ये टमाटो की ग्रेवी आ चुकी है, ये देखो ये टमाटर की ग्रेवी ली जा रही है। बहुत बढ़िया, और इसके बाद ये आ गया हमारे पास दही, जिसमें कि मसाले मिलाए हुए हैं ऑलरेडी, इसमें मलाई मसाला मिला हुआ। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों सारी चीज़ें ना पहले मिक्स कर ली जाती है ड्रम के अंदर, और फिर इसको तवे पे ले जाया जाता है, और तवे के ऊपर डाल के ना जो हमारा चंगेजी चिकन है उसको तैयार किया जाता है। तो ये देखो क्या बढ़िया तरीके से ना इसको मिक्स किया जा रहा है, और उसके बाद इसको तवे पे लेके जाया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारी चंगेजी लगनी शुरू हो गई है, और ये डाला गया है सबसे पहले प्योरी, क्या बात है दोस्तों, ये ले लिया गया है सबसे पहले, और ये डाला गया है बड़े से तवे के ऊपर, देख रहे हो ह्यूज साइज है तवे का। मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया सारे इसमें भरते हैं, इसमें डाला हुआ सारा का सारा। तो दोस्तों देखिए ग्रेवी को ना लगभग 15 मिनट हो चुके हैं पकते हो, अब धीरे धीरे जो हमारी ग्रेवी है ना सूखती जा रही है और गाढ़ी होती जा रही है, जैसे जैसे पकती जाएगी ना तो जो हमारा जो चंगेजी चिकन का जो मसाला है वो तैयार होते जाएगा। और देखिए इसके अब ना अभी चिकन डाला जाएगा, तो वो भी आपको दिखा दो किस तरीके से चिकन डाल के ना हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ना चिकन जो है हमारा वो रोस्ट होके आ चुका है, जैसे मैरिनेट करने के बाद हल्का सा रोस्ट किया, हाफ कुक किया हुआ है, और उसके बाद देखिए इसकी कटिंग करके ना ये जाएगा हमारा चंगेजी चिकन के अंदर। देखो क्या बढ़िया तरीके से इसके पीसेस बनाए जा रहे हैं, और यहाँ देखो क्या ह्यूज क्वान्टिटी में ना यहाँ पे देखिए चिकन जो है वो रखा हुआ है, ये सारा का सारा जो हमारा चंगेजी चिकन है उसके अंदर जाने वाला है। ये देखो ये देखो कट किया, और ये सारा का सारा इस बर्तन के अंदर रखा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों अब डाला जा रहा है इसके अंदर चिकन, ये देखो तवे के ऊपर ना भर के जो अभी चिकन काटा था वो डाल दिया गया है, बहुत बढ़िया जी। अब चलाया जाएगा दोस्तों, तो ये देखो ये जी ये गया हमारा चिकन का पलटा, और पलटा भी जैसे मैंने बताया आपको 2 मीटर का है कम से कम, ये देखो भैया चला रहे हैं इसको, हाँ जी बहुत बढ़िया। ये देखो, और दोस्तों आज जयपुर में ना झमाझम बारिश हो रही है, आप देख सकते हो पीछे जो पूरा माहौल है ना वो पूरा बारिश का है, और उसी बीच में हम जो अपना शूट है वो कर रहे हैं, देख सकते हो आप। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ये वाले तवे पे अभी चढ़ाया हुआ ना वो खाली हुआ देखिए उसको भी भर दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार बनाया जाता है, ये मतलब रिपीट बनता रहता है ना, तो मतलब 5-6 बार 10 बार बन जाता है एक दिन के अंदर। और ये होटल जो है वो रात को कितने बजे तक चलता है? रात को 12:30 बजे तक, 12:30 बजे तक आप बनाते रहते हैं, उसके बाद पार्सल जाता है, तो 1:30-2 बजे तक, मतलब 1 बजे तक खुला रहता है ना, मतलब। तो देख सकते हो दोस्तों तीनों जो तवे है ना उसके ऊपर हमारी जो चंगेजी है वो बनाई जा रही है, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है दोस्तों इतनी ह्यूज क्वांटिटी में बनते हुए देखने में। देखिए इस तरफ हमारी अभी जो है उसको चिकन डाल दिया गया है, वहाँ पे ग्रेवी डाली गई है तो वो तैयार हो रही है, और ये हमारी फाइनल होने वाली है ना, फाइनल होने वाली है। देख सकते हो रोगन क्या जबरदस्त छोड़ चुका है दोस्तों चंगेजी चिकन, बहुत बढ़िया, और जो बॉयल जो हो रहा है मस्त इसमें से छींटे निकल रहे हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ना मसाले लिए जा रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या डाला था भैया? वाइट बुरादा, ये नारियल का बुरादा लिया गया था, उसके ऊपर से ये क्या डाला है आपने? ये वाला मसाला गरम मसाला, गरम मसाला। ये आ गया तेज पत्ता, काली मिर्च भी दिख रही है मेरे को, और ये गया अब नमक जी। क्या बात है, ये आ गया दोस्तों नमक, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके डाली जाती है, और ये आ गया ऊपर से लोबी मिर्च, कौन सा ये? पीली मिर्च, पीली मिर्च।
पीली मिर्च ले ली गई है दोस्तों थोड़ी सी, और ये आ गया हमारे पास हरी मिर्च। क्या बात है, हरी मिर्च की क्वांटिटी चेक करो ज़रा। और ये हरी मिर्च जो होती है, शिमला मिर्च और हरी मिर्च दोनों मिलाई हुई है? जी जी। अच्छा एक मिनट, शिमला मिर्च और हरी मिर्च दोनों मिलाई हुई है तो दोनों ही डाला जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों चंगेज़ी चिकन में कुछ इस तरीके से ना, ये मसाले जो अभी मिक्स किए थे वो, और जो हमारी हरी मिर्च है, धनिया, ये सब डाला गया इसके ऊपर से। बहुत बढ़िया, जैसे जैसे हमारा चंगेज़ी चिकन जो फाइनल होते जाता है ना, उस तरीके से इसे सारे चीज़ें डालते रहते हैं। ये देखो अभी ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो जैसे ये पूरा होगा उसके बाद उसको निकाल लिया जाएगा। और यहाँ पे मटन कोरमा, क्या बात है दोस्तों, बढ़िया तरीके से। ये देखो जरा मटन कोरमा, ओए होए होए, क्या कोरमा ग्रेवी है दोस्तों, और मटन के पीसेस क्या बढ़िया है, क्या बात है। ये क्या है? ये मटन स्टू है। मटन स्टू, वाह क्या बात है। ये चिकन कोरमा है, 4 पीस। ये चिकन कोरमा, ये 4 पीस। अच्छा, मतलब ये लेग और थाई दोनों जुड़े होते हैं, और सीने का पीस जुड़ा होता है ना? सीने का और लेग का दोनों। हाँ, इसको थोड़ा चला के दिखाना, और पीस निकाल के दिखाओ भैया, बढ़िया सा। ओए होए होए, देखो दोस्तों क्या बात है, लेग थाई देख रहे हो, क्या मजेदार। और रोगन देखो जरा, सारी आइटमों में क्या मस्त रोगन है। व्हाइट चिकन है, व्हाइट चिकन, दूध मलाई, क्या बात है, दूध मलाई व्हाइट चिकन है। इसके ऊपर देखो क्या जबरदस्त घी जो है वो तैरता हुआ, बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी कुछ है? और चिकन स्टू है, दाल है, दाल भी मिलती है, दाल वाह। ये आगे दोस्तों दाल, वेजिटेरियन दोस्तों के लिए हमारे पास दाल है, और नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत कुछ है। ये है दोस्तों बड़ी सी हांडी के अंदर, आप देख रहे हो, ये है दोस्तों मटन नहारी। ये देखो क्या बढ़िया तरीके का इसका टेक्सचर है, कलर है, और मैं भैया को बोलता हूँ इसको थोड़ा चला के दिखाने को, है ना, चला के दिखाने के जरा, जबरदस्त। देखो ऊपर से रोगन तो बड़ा जबरदस्त आया, और ये निकलेगा दोस्तों नहारी, ये आया जी, ये चेकआउट करो, क्या बात है। एक पीस दिखाना भी, हाँ ये हुई ना बात दोस्तों, ये देखो गर्मा गर्म धुएं छोड़ते हमारा नहारी, और ये ना पूरी सी ये देख रहे हो, इसके अंदर बनाई जाती है और इसी में से सर्व की जाती है, ज़बरदस्त दोस्तों। तो हमारे मटन कोरमा, मटन स्टू, मटन नहारी, चिकन कोरमा, चिकन स्टू है, अफगानी वाइट चिकन है, मलाई टिक्का, मलाई रोस्टेड, मतलब नॉनवेज में सारी वेराइटी, सारे वेराइटी हैं सर। कम से कम 60 से 65 आइटम है, 60 से 65 आइटम है दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त वेराइटी है यहाँ पे। ये 1987 में ऑन हुई थी हमारी, 87 में, क्या बात है, तब से यहाँ पे ही है, मतलब रेगुलर चल रही है। और रश में देख रहा हूँ जिस तरीके से भीड़ है, मतलब लोगों का क्रेज बहुत है खाने के लिए, है ना। खाने का सर नाम क्या, अपन मैं चीज देता हूँ, हाँ, और क्वालिटी देता हूँ मैं, क्वालिटी में कोई कमी आने नहीं देता हूँ, बिल्कुल तभी सर भीड़ आती है। अपने घर की दुकान है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन क्वालिटी और चीज पे पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो हमारे चिकन है ना, तंदूरी चिकन, रोस्टेड चिकन बेसिकली, उसके लिए देखिए ये ग्रिल के ऊपर लगाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से फैला के ना इसको ग्रिल पे लगा दिया जाता है। ये देखो क्या बढ़िया तरीके से इसको ना अच्छे से फैलाया जाएगा, उसके बाद इसको ना कोयले की आंच पे ग्रिल किया जाएगा, धीमी धीमी आंच पे ग्रिल किया जाता है। तो ये इस तरीके से ना इसको देखो यहाँ पे लगा दिया, ये देखो पूरा भरने के बाद ना ये ग्रिल जो है उसको बंद कर दिया जाता है। ये देखो ये किया गया बंद, वाह जी, ये लगाया गया, और अब ये जाएगा कोयले की आँच पे। देखो ये कोयले की आँच है यहाँ पे, उस पर रख दिया गया, और जो हमारा रोस्टेड चिकन है वो तैयार किया जाएगा। लगभग दोस्तों आधे घंटे और हो चुके हैं, मसाला जो डाला था ना, नारियल का बुरादा, जीरा और ये सब चीज़ें डाली थी, पूरे मिक्सचर जो था वो डाल दिया था। और उसके बाद देखिए ये ना हमारा जो चंगेज़ी चिकन है, आधे घंटे बाद देखो क्या रंगत आ गई इसकी, और लाजवाब बन चुका है। तो ये भैया फाइनल हो गया ना, अब लगभग 5-10 मिनट में दोस्तों ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, उसके बाद ना निकाला जाएगा सर्व करने के लिए। भाई ज़बरदस्त रेसिपी है, और ज़बरदस्त मज़ा आ गया पूरा कढ़ाइयों में ना बनते हुए देखने में, बहुत ज़बरदस्त। देखिए ये फाइनल हो चुका है, अब क्या रंगत आई है, क्या रोगन आया इसके ऊपर, देख रहे हो। तो लो जी दोस्तों, फाइनली हमारी चंगेज़ी चिकन की रेसिपी भी हो गई थी पूरी, और इतनी सारी आइटम्स में ना आज हम ट्राई करने वाले हैं दोस्तों चंगेज़ी चिकन। मैंने आपको दिखाई तो बहुत सारी आइटम यहाँ पे अवेलेबल है ना, मगर चंगेज़ी चिकन क्योंकि हमने बनते हुए देखा, तो ये देखो ज़रा टेक्सचर चेक करो एक बार, ये देखो जी क्या बात है, ग्रेवी चेकआउट करो, ओए होए होए, लग रहा है ना बिल्कुल थिक वाली ग्रेवी जो होती है। और रोगन देखो ऊपर से, ये देखो रोगन मस्त आया हुआ है ना। तो ये पीस हम लेते हैं, एक ये पीस आ गया, और पीसेस का साइज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। और ये ना मैंने क्वार्टर प्लेट मंगवाया है दोस्तों, क्वार्टर प्लेट के अंदर ये 3 पीसेस देते हैं, और साइज़ इतना ज़बरदस्त, क्या बताऊँगा। ये देखो ओ भाई, ये देखो ज़रा साइज़ चेक करो, क्वार्टर प्लेट में आपको इतना सारा चिकन कहीं मिलता है? नहीं मिलता ना, कमेंट करके बताओ अगर मिलता है कहीं तो। 200 रुपये इसका रेट है दोस्तों, और 170 भी है, मैं बताता हूँ क्यों, दो रेट हैं इसके। वो इसलिए है क्योंकि देखिए अगर आप सादे तेल में जैसे बनता है वो 170 रुपये का है, और देसी घी वाला अगर लेते हैं तो वो 200 रुपये का। तो ये ले लिया हमने ऊपर से ग्रेवी, ये डालिए मस्त वाला रोगन, और ये आ गई दोस्तों खमीरी रोटी।
भाई ये मैंने दिल्ली में खाई है खमीरी रोटी, बड़ी मस्त होती है, बिल्कुल फ्लफी, देख रहे हो किस तरीके से पूरी फ्लफी होती है और बिल्कुल सॉफ्ट वाली होती है। तो आओ सबसे पहले ना मैं ग्रेवी टेस्ट करता हूँ, ग्रेवी देखता हूँ किस तरीके की है ना, क्योंकि ग्रेवी मेरे को अच्छी लग रही है देखने में, तो ग्रेवी टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। ग्रेवी बड़ी मस्त है, चटपटी है, खट्टी भी है और हल्की सी मिठास है, मगर चटपटी वाली ग्रेवी जो होती है वो है तीखी है हल्की, और चंगेजी तो दोस्तों तीखा ही अच्छा लगता है कि नहीं। वाह भैया चिकन चेक करते आओ, ओह ये देखो जी गर्मा गर्म है, आप देख सकते हो चिकन जो है वो अच्छे से पका हुआ है, मगर हाँ जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ ना हल्का अंदर से वाइट भी है, देखो वाइटिंग है ना, तो जूसेस जो है वो अंदर तक नहीं गए हैं, जूसेस बाहर ही हैं, बाहर ही हैं, मगर जब इसको लपेट के हम ग्रेवी के साथ खाएंगे ना तो उसका फ्लेवर ज़रूर आएगा। देखो ये लग रहा है चिकन, देख रहे हो बिल्कुल रेशे वाला जो चिकन है वो है। तो एक काम करते हैं खमीरी रोटी लेते हैं, है ना, ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट, क्या बात है, बिल्कुल अच्छे से खमीर लगी हुई है। ये लेते हैं चिकन, तो हाँ और जब तक हाथ गंदे ना हो ना दोस्तों खाने का जो मज़ा है ना वो नहीं होता है कि नहीं। तो ये ले ली हमने ग्रेवी, इतनी बड़ी बाइट ना मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, आओ इसको टेस्ट करके देखते हैं। खमीरी रोटी और ग्रेवी दोनों ही जब कॉम्बिनेशन में आते हैं ना मज़ेदार लगते हैं। हल्की सी खमीरी रोटी ना हल्की ही मीठी मीठी सी होती है, मिठास होती है हल्की सी, और जो ग्रेवी है वो बड़ी ज़बरदस्त खट्टी वाली चटपटी वाली, बहुत बढ़िया। तो ये चिकन जैसे मैंने आपको दिखाया, ये चिकन है, ये लगाया, अच्छा तो है दोस्तों, बढ़िया। हालांकि जूसेस अंदर नहीं है पर ग्रेवी के साथ जब लपेट के खा रहे हैं ना अच्छा लग रहा है, बढ़िया मज़ा। चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें फिनिश करता हूँ और तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर जयपुर की ये वाली वीडियो नॉनवेज में आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। जयपुर में आगे बढ़ते हैं नए जगह की तलाश में और आपके लिए कुछ नया बढ़िया सा ढूंढ के लेके आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।